वेलकम टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे रिक्रूटमेंट, जहाँ पर वैकेंसीज आई हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की। कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो में। नोटिफिकेशन आया है CDPO ऑफिस विजयपुर की तरफ से। नोटिफिकेशन नंबर है 7/2024। ये री एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पर वर्कर्स के लिए 2 वैकेंसीज हैं, हेल्पर्स के लिए 8, टोटल यहाँ पर 10 वैकेंसीज हैं। एप्लीकेशन आपको CDPO ऑफिस में सबमिट करनी है। 12 नवंबर से 30 नवंबर तक आप जो है अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट है नेक्स्ट। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर वैकेंसीज़ की डिटेल, आंगनवाड़ी सेंटर्स के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, नेम ऑफ पंचायत, वार्ड नंबर। ये नोटिफिकेशन आप टेलीग्राम ग्रुप में देख सकते हो, वहाँ पर इसको मैंने शेयर किया है। ये थोड़ा रीडेबल भी नहीं है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर क्राइटेरिया है वर्कर्स के लिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट UTF J&K का होना चाहिए, एज जो है 18 से 37 ईयर्स के दरमियान होनी चाहिए, कैंडिडेट इलेक्टोरल वार्ड से होना चाहिए जहाँ पर सेंटर की लोकेशन है, क्वालिफिकेशन जो है मिनिमम 10+2 है और मैक्सिमम ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन से ज़्यादा वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। उसके बाद हेल्पर्स के लिए यहाँ पर क्राइटेरिया है, एज जो है 18 से 37 ईयर्स के दरमियान होनी चाहिए, UTF J&K का डोमिसाइल होना चाहिए, कैंडिडेट इलेक्टोरल वार्ड से होना चाहिए, क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास होनी चाहिए। जहाँ पर मैट्रिक वाला कैंडिडेट अवेलेबल नहीं होगा तो 8th पास वाले को कंसीडर किया जाएगा। सबसे पहले प्रेफरेंस जो है मैरिड कैंडिडेट्स को मिलेगी, उसके बाद अनमैरिड कैंडिडेट्स को आंगनवाड़ी हेल्पर्स के लिए। जिनकी फैमिली से कोई रिटायर हो रहा है एज आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर, उनको 2 पॉइंट मिलेंगे। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो यहाँ पर आप देख सकते हो। इस वीडियो को करते हैं इधर ही एंड, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।